सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है एम एंड ओ एंड एन एंड पी आर टू पेयर्स ऑफ एन थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है एम एंड ओ एंड एन एंड पी आर टू पेयर्स ऑफ डायस्टीरियोमर्स फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन एक बात तो हमें पता है कि बी आर टू गिव एंटी एडिशन और ट्रांस एडिशन सो डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट नाउ अस मेक द प्रोडक्ट जब हमारे पास ट्रांस एल्कीन है ये ट्रांस एल्कीन जब एंटी एडिशन देगा तो हमें मिलता है मीजो तो हमने यहाँ पर मीज़ो प्रोडक्ट्स बनाए ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं एंड बोथ आर आइडेंटिकल सो एम एंड एन बोथ आर आइडेंटिकल एंड दे आर मीजो नाउ दिस इज एल्कीन सिस एल्कीन में जब मैं एंटी एडिशन करूँगा तो मुझे मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर तो ये जो पेयर है एनेंशियोमर्स का जिसे हम रेसमिक मिक्सचर बोल रहे हैं दैट इज ओ एंड पी तो पहला ऑप्शन देखते हैं ओ एंड पी आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ये गलत स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट एम एंड ओ एंड एन एंड पी आर टू पेयर्स ऑफ एन ओ और एम ये दोनों एन नहीं है सिमिलरली एन और पी दोनों एन नहीं है ये पेयर और वो पेयर डाएस्टीरियोमर कहलाएगा सो एम एन ओ एंड एन एन पी आर टू पेयर्स ऑफ डायस्टीडियुमस सो सी ऑप्शन इज करेक्ट डी ऑप्शन हमने पहले ही वेरीफाई किया है कि दिस इज एंटी एडिशन और ट्रांस एडिशन सो ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स टू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी लेट्स मूव टू दैक्स क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू